हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक कमेंट आया हुआ है कि एक्सेस के अंदर दो कॉलम्स को मर्ज कैसे किया जाए। तो देखिए, एक्सेस के अंदर दो कॉलम्स को मर्ज करने का क्या तरीका हो सकता है या कैसे इसको मर्ज करेंगे, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। देखिए, मर्ज तो नहीं कर सकते, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप ब्लैंक डेटाबेस पे जाते हैं और ब्लैंक डेटाबेस पे जाने के बाद ये जो सिनेरियो आता है आपके पास, यहाँ पर क्रिएट पे आप क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये सिनेरियो आता है, तो यहाँ से व्यू पे क्लिक करते हैं और ये टेबल का नाम मैं सेम ही रहने देने वाला हूँ। यहाँ पे टेबल वन आ रहा है, टेबल वन ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आईडी आ रही है, ये प्राइमरी की है, यहाँ पे कर देता हूँ फर्स्ट नेम, एफ आई आर एस टी फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम कर दिया, एफ आई आर करेंगे यहाँ पे। और ये हो गया लास्ट नेम, तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रखा हुआ है, ये 2021 यूज कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। और यहाँ पे कर देते हैं लास्ट नेम, ये हो गया लास्ट, और फिर यहाँ पे कर देते हैं नेम। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको व्यू पे क्लिक करना है। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सिनेरियो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम आप डालेंगे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम आपने क्या डाला, यहाँ पे लिखा रमेश सिंह, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट नेम और ये हो गया लास्ट नेम। फिर इसी तरीके से यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे लिखता हूं मैं त्रिपाठी, ठीक है। तो ये नाम हमने लिख दिया कुछ इस तरीके से। फिर यहां पर आते हैं तो फिर अगला नाम अमन सिंह, ठीक है। तो ये नाम लिख दिया, लेकिन अब इन दोनों को मर्ज कहां आप कर पाएंगे, मर्ज तो नहीं कर सकते। हाँ, एक काम कर सकते हैं, यहां पे जाके और आप क्वेरी बना सकते हैं। तो यहां पे जाएंगे और यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, और जैसे डिजाइन पे जाएंगे तो ये टेबल नजर आएगी, यहां पे टेबल को ले आइएगा और यहां से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले सकते हैं। और फिर यहां पर एक न्यू फील्ड फुल नेम करेंगे, फुल और नेम, ठीक है। ये न्यू फील्ड हमने ले लिया और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट नेम एफ आई आर एस टी। अच्छा, ये लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम किस में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो एफ आई आर एस टी फर्स्ट नेम, ये बंद किया और फिर यहाँ पे लगाएंगे एंड, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल ए एस टी लास्ट नेम। इस तरीके से लिख करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर यहाँ से क्वेरी को रन करा देंगे, तो ये देखेंगे कि ये फुल नेम इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का काम आप कर सकते हैं, अगर आप आपको ऐसी दिक्कत आ रही है तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आप कभी कभी बीच में गैप भी चाहिए होता है तो आप एंड के साथ यहाँ पे दो बार गैप दे करके फिर इधर एंड लगा देंगे तो यहाँ पे गैपिंग भी आएगी इसमें। तो यहाँ पर जब इसको अब रन कराऊंगा तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा गैप भी इसमें आ रहा है, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।